आज की वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2021 के रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, साथ ही साथ हम ये बात करेंगे कि नीट 2021 में मिनिमम पासिंग स्कोर कैटेगरी वाइज क्या हो सकता है, क्योंकि नीट को अगर पास कर लिया आपने तो आपके चांसेस हैं कि आप MBBS कर सकते हैं इसी साल। किस इंस्टीट्यूट से करना है ये मैटर करता है, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, कई सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको पासिंग स्कोर पे भी सीटें दे देती हैं, बशर्ते कि फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होने चाहिए। ये भी बात करेंगे कि कितने स्कोर पे आपको पास माना जाएगा, कितने कैंडिडेट्स होते हैं जो पास करते हैं नीट 2021 को कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे इंटर एसी मेरिट कैसे डिसाइड होगी, कैसे NTA आपकी मेरिट बनाएगा, कैसे आपकी रैंक दूसरे कैंडिडेट से ज़्यादा हो सकती है, टाई ब्रेकिंग रूल क्या है, मीन्स पूरा डिटेल में बात करेंगे। कभी कभी आपने देखा होगा कि एक ही सीट में सेम मार्क्स के दो कैंडिडेट्स होते हैं, एक को सीट मिल जाती है, दूसरे को सीट नहीं मिलती है, इसका मेन कारण क्या है, ये भी हम डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले फर्स्ट टाइम चैनल पर आते हो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, रिजल्ट और मिनिमम कट ऑफ क्या हो सकता है, बेसिकली आज की वीडियो में हम पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे कि नीट का रिजल्ट, नीट 2021 का रिजल्ट डेट क्या हो सकती है, रिजल्ट डेट, ठीक। दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि नीट 2021 में मिनिमम कट ऑफ कैटेगरी वाइज क्या हो सकता है, क्वालिफाइंग मार्क्स, और कितने कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर सकते हैं नीट को, मीन्स कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर सकते हैं। थर्ड हम डिस्कस करेंगे कि इंटर एसी मेरिट कैसे इस बार आपकी होगी, और साथ ही साथ टाई ब्रेकिंग रूल भी हम डिस्कस करेंगे, टाई ब्रेकिंग रूल। बेसिकली दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो टाई ब्रेकिंग रूल क्या होता है, सपोज़ करिए आपने देखा होगा कि अगर आपकी स्टेट का कट ऑफ 610 गया है, तो 610 में आपके स्टेट से कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिसको 610 में सीटें मिल जाती हैं, 610 में सीटें मिल जाती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको 610 सेम स्कोर पर सीटें नहीं मिलती हैं। इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है, ये भी मैं एक्सप्लेन करूँगा वन बाई वन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, मिनिमम कट ऑफ की, फिर नीट का रिजल्ट डेट कब हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले हम बात कर लेते हैं मिनिमम कट ऑफ क्या होता है। मिनिमम कट ऑफ फॉर नीट 2020, ठीक है, मिनिमम कट ऑफ की अगर हम बात करें तो ये डिवाइड होता है कैटेगरी वाइज, जनरल, EWS, ये कैटेगरी, उसके अलावा SC ST OBC, ठीक, उसके बाद जनरल, EWS, फिजिकली हैंडीकैप्ड, ठीक, इसी तरह से SC ST OBC, फिजिकली हैंडीकैप्ड, ये चार टाइप की कैटेगरीज होती हैं। इनका जो कट ऑफ होता है दोस्तों वो कुछ इस तरह से हो सकता है कि जनरल और EWS का 50th परसेंटाइल होता है, परसेंटाइल में होता है ये, SC ST का अगर हम बात करें तो 40th परसेंटाइल, ठीक, UR EWS फिजिकली हैंडीकैप्ड का 45th परसेंटाइल, और इसी तरह से SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड मींस फिजिकली हैंडीकैप्ड OBC, ये 40th परसेंटाइल, और इसके करस्पॉन्डिंग जो मार्क्स हो सकते हैं मींस आउट ऑफ 720 कितने मार्क्स हो सकते हैं, तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली अगर मार्क्स की बात करें दोस्तों तो 140 प्लस लगभग जनरली हो सकता है, इसी तरह से 110 प्लस SC ST OBC के लिए, 130 के अप्रॉक्स UR EWS PH के लिए, ठीक, और इसी तरह से 110 प्लस के करीब आपका SC ST OBC फिजिकली हैंडीकैप, तो ये कुछ इस तरह से आउट ऑफ 720 मार्क्स हो सकते हैं, आउट ऑफ 720। तो इतने मार्क्स अगर जनरल वाला 140 प्लस करेगा तो वो क्वालिफाइड माना जाएगा, मींस कि अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो आप केवल मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे आप अब्रॉड भी जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है।
तो आप आसानी से जा सकते हैं, बशर्ते कि 140 पे आपको गवर्नमेंट की सीटें नहीं मिलेंगी। कुछ कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में आपको सीटें मिल सकती हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं 140 मार्क्स पे मेयरली क्वालिफाइंग पे आपको सीटें मिलेंगी तो नहीं मिलेंगी। अब कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाइड होंगे, अगर क्वालिफाइड की बात हो तो लगभग 50% कैंडिडेट्स हर साल क्वालिफाइड होते हैं। मीन्स अप्रॉक्स 16 लाख कैंडिडेट्स हैं, जिसमें से 8 लाख ऐसे होंगे जो ये मार्क्स मैंने मिनिमम आपका दिया हुआ है ये भी उनके नहीं आएंगे। मीन्स 8 लाख तो सीधे चले गए कॉम्पिटिशन से बाहर, 8 लाख कैंडिडेट्स सीधे आउट ऑफ कॉम्पिटिशन हो जाएंगे, आउट ऑफ कॉम्पिटिशन्स। मीन्स हर साल ऐसा ही होता है दोस्तों कि 50% कैंडिडेट्स तो ऐसे होते हैं जिनको कि मेयरली 110, 115, 120 मार्क्स भी नहीं ले पाते आउट ऑफ 720 में। ठीक है, ये तो रही बात हमारी मिनिमम कट ऑफ की। अब हम बात करते हैं रैंक की, कैसे आपकी मेरिट बनती है और कैसे सेम मार्क्स पे एक कैंडिडेट्स का, कैंडिडेट्स ए है एक कैंडिडेट्स बी है, इन दोनों के सेम मार्क्स रहते हैं। सपोज़ करिए एक का 610 है, एक का 610 है, एक ही स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, एक का सिलेक्शन हो जाता है, एक का सिलेक्शन नहीं होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों अगर मैं बात करूं नीट में, जो आपका चाहे स्टेट कोटा हो, चाहे स्टेट कोटा हो या फिर ऑल इंडिया कोटा हो, इन दोनों कोटा में जो आपका सिलेक्शन होता है या जो आपका अलॉटमेंट होता है, अलॉटमेंट उसमें नीट स्कोर मैटर नहीं करता है। नीट स्कोर उतना मैटर नहीं करता कि आपके 610 हो गए तो आपकी गारंटी हो गया कि सिलेक्शन हो गया। वहाँ पे ऑल इंडिया रैंक मैटर करती है या स्टेट कोटा रैंक मैटर करती है, ये मैटर करता है। ठीक है, अब इसीलिए मैं कहता हूँ कि टाई ब्रेकिंग रूल क्या होता है, जब आपसे कोई एडुकेटर या आपके जो टीचर होते होंगे जब ये कहते हैं तुक्का मारो, तुक्का तुक्का मारो, जो लोग कहते हैं तुक्का मारो अब उनको आप मारो। मीन्स बहुत सारे नमूने हैं यूट्यूब में जो आपको तुक्का मारना सिखाए होंगे और उस तुक्के की वजह से आपको कितना नुकसान होने वाला है मैं चलिए बताता हूँ आपको। टाई ब्रेकिंग रूल क्या होता है कि एक ही, सपोज़ करिए कैंडिडेट्स ए है, कैंडिडेट्स बी है, सपोज़ करिए इसने भी स्टेट यूपी में फॉर एग्ज़ाम्पल 605 मार्क्स किए, ये भी कैंडिडेट्स बी भी यूपी का है, 605 मार्क्स किए, लेकिन सीटें किसको मिलेंगी ये डिपेंड करता है कि ए की रैंक बी की रैंक से ज़्यादा है या बी की रैंक ए की रैंक से ज़्यादा है, ये इस पर डिपेंड करता है। और रैंक इस बार कैसे बनेगी, क्योंकि यहाँ पे एक फैक्टर हटा भी दिया गया है, वो फैक्टर है एज फैक्टर। देखिए ए की रैंक बी की रैंक से ज़्यादा कब होगी, पहला रूल जब बायोलॉजी में मार्क्स ज़्यादा होंगे ए के कंपेयर टू बी, पहला क्राइटेरिया है ये है। अगर ये भी मैच करता है तो दूसरा क्राइटेरिया होगा हमारा केमिस्ट्री में ए के मार्क्स बी से ज़्यादा हों तब ए को ऊपर प्रेफरेंस मिलेगी, मतलब ए हमेशा रहेगा ऊपर। ये भी अगर मैच करता है तो थर्ड हमारा आएगा। ये ध्यान से देखिएगा कि सभी सब्जेक्ट में, ऑल सब्जेक्ट मींस कितने सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी और जूलॉजी, इन चारों सब्जेक्ट में जो रॉन्ग क्वेश्चंस हैं, रॉन्ग आंसर्स हैं आपके, उसका रेशियो करेक्ट आंसर से, इसका जिससे ज़्यादा होगा वो उस हिसाब से यहाँ पे रैंकिंग पाएगा। मींस कि कहने का मतलब ये है कि जिसके करेक्ट आंसर का रेशियो ज़्यादा होगा रॉन्ग आंसर के कंपेयर में वो ऊपर की रैंक पाएगा। मतलब यहाँ अगर आपने क्या किया है, आपने यहाँ पे तुक्का मारा है और आप और एक कैंडिडेट्स दोनों के मार्क्स सेम आ रहे हैं, लेकिन अगर सपोज करिए यहाँ तक अगर आप पहुँचे थर्ड पॉइंट तक पहुँचे कैंडिडेट्स ए ने क्या किया, इसने तुक्का नहीं मारा,
कैंडिडेट्स भी क्या किया है, इसने किसी बेवकूफ़ यूट्यूबर का चैनल देखा, इसने तुक्का मारा है, तुक्का मारा है। इसके 610, 605 है, इसके भी 605 है। कैंडिडेट्स ए की रैंक ऊपर चली जाएगी कैंडिडेट्स बी से, कैंडिडेट ए को सीट मिल जाएगी, मिल जाएगी, और कैंडिडेट बी को कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, और ये ड्रॉप करना पड़ेगा क्योंकि इसने तुक्का मारा है। तो तुक्का मारा है, तुक्का मारने का मतलब ये नहीं होता है कि आपके दो चार सही हो जाएं तो आप उसमें खुश हो जाएं, क्योंकि आपको इस स्टेज से भी गुजरना होता है। मान लीजिए आपने 610 ला भी दिए किसी तरह से, ऐसे 605 ला दिए, लेकिन उस बंदे की वैल्यू आपसे ज़्यादा हो जाएगी जिसने तुक्का नहीं मारा है, ठीक है। यहाँ पे एक फोर्थ था कि जिस कैंडिडेट्स का एज, सपोज़ करिए एज, फोर्थ हमारा स्टेट था एज गैप, मीन्स कैंडिडेट्स ए अगर ओल्डर होता है तो कैंडिडेट्स बी से ऊपर रैंक पाएगा, लेकिन ये वाला फैक्टर हटा दिया गया है। केवल तीन फैक्टर्स इस बार रह गए, एज वाला फैक्टर हटा दिया गया है, इससे मेरिट आपकी नहीं बनेगी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जिन कैंडिडेट्स ने तुक्का मारा था या क्वेश्चंस ज़्यादा रॉन्ग अटैम्प्ट किए हैं, नंबर भी अच्छे आ गए, फिर भी आपका सिलेक्शन या आपकी रैंक जो है वो अच्छी नहीं होगी। तो रैंक अच्छी बनाने के लिए आपको एक्यूरेसी का ध्यान देना होगा। मैं हमेशा से अपनी वीडियोस में कहता था चाहे कुछ भी करना लेकिन तुक्का मत मारना, क्योंकि अगर मार्क्स भी आ गए तो उसकी गारंटी नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नो सिलेक्शंस अगर आप तुक्का मारते हैं। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है दोस्तों कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये वीडियो आप लोग के लिए था और इम्पॉर्टेंट था। आप इसे जो कैंडिडेट्स को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, ऐसे करते रहिए क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स को ये बेनिफिट मिल सके। इट्स ऑल।